गणतंत्र दिवस पर भवरकुआ थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में आरोपी राजेश शुक्ला द्वारा अपनी लाइसेंसी हथियार से रिक्शा चालक लोकेश सावले की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार की अगुवाई में मोर्चा खोल दिया गया है। गाड़ी टकराने को लेकर हुए मामूली विवाद की परिणति अनुसूचित जाति वर्ग के टैक्सी ड्राइवर लोकेश सावले की हत्या के रूप में सामने आई। इस घटना को लेकर अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ ने आक्रोश जताते हुए इंदौर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही एवं पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि की मांग की है। अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि मृतक के परिवार में उसकी पत्नी तथा 4 छोटे बच्चे हैं, वे अनाथ हो गए हैं। मृतक की पत्नी बेसहारा हो गई है। परिवार में मृतक अकेला कमाने वाला था, अतः परिवार को तत्काल मुआवजा राशि प्रदान की जाए। बुधवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ के पदाधिकारियों एवं समाजजनों ने तहसीलदार सुदीप मीणा को कलेक्टर मनीष सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही एवं पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि की मांग की गई। शहर में एक मामूली विवाद को लेकर हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बालक लोकेश सावले की गोली मारकर हत्या कर दी। वह हत्या मामूली सी एक कार की टक्कर रिक्शा से हुई थी। इस बात को लेकर विवाद हुआ और एक छोटे से विवाद को इतना बड़ा रूप दे दिया कि 4 बच्चे बेसहारा हो गए, पत्नी बेवा हो गई। आज इनके सामने कमाने खाने का संकट हो गया है। इनके जीवन यापन हेतु संबल योजना से 4 लाख की मुआवजा राशि प्रदान की जाए। इस हेतु माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में समस्त दलित समाज यहां पर आया था। साथ ही एक वर्ष के अंदर मालवा, ये जो भावना नगर है, एक वर्ष के अंदर यह 5वां मर्डर है जिसमें से 4 दलितों की हत्याएँ हुई है। तो हमारा यहाँ पर निवेदन था कि उस क्षेत्र में चौकी का निर्माण किया जाए तथा आरोपियों का खुलेआम जुलूस निकाला जाए, जिससे आरोपियों में जो है पुलिस का खौफ कायम रह सके। पुलिस चौकी का निर्माण हो, आरोपियों का जुलूस निकले, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो तथा पीड़ित परिवार को आर्थिक लाभ से मुआवजा राशि दी जाए, जिससे इनके जीवन यापन, भरण पोषण और शिक्षा दीक्षा हो सके। इसी निवेदन को लेकर हम यहाँ पर आए थे। और मैं आप मीडिया कर्मियों को बताना चाहता हूँ कि पिछले एक वर्ष से हमने इतने आवेदन दिए हैं दलित अत्याचार के खिलाफ, किसी में भी कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की है। व्यक्ति तो व्यक्ति शासन प्रशासन द्वारा भी कहीं ना कहीं हमारे को अछूत महसूस करा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे लोग अत्यंत गरीब है, पीड़ित है, उनका शोषण हो रहा है। जो शासन के द्वारा, जो प्रशासन और राजनीतिक दलों के द्वारा जो योजनाएं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बनाई जाती है, उन योजनाओं का लाभ हमारे वर्ग को नहीं मिल पाता। हम बारंबार यहां पर धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। संबंधित क्षेत्र में दलितों की हत्या क्यों रही, कोई वजह है इसका? इसकी वजह कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता ही बोल सकते हैं साहब। इतने बड़े शहर में एक ही क्षेत्र में एक वर्ष में 5 हत्याएं होना, उसमें 4 हत्याएं दलित की होना, ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। और एक वर्ष से हम ऐसे दलित अत्याचार के खिलाफ यहाँ निरंतर आ रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना भी बोल रहे हैं कि हमारा निवेदन है कम से कम सरकार की योजनाओं का लाभ तो दिया जाए। किंतु सरकार की योजनाओं का 1% लाभ नहीं दिया जाता हमारे लोगों, केवल पेपरों में, केवल कागजों में दिखाने के लिए योजनाएं बनी हुई है। आज जो ज्ञापन लेना अधिकारी का क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? वे हमेशा बोलते हैं, आज भी ये बोले कि मैं DM साहब तक पहुंचा दूंगा। अरे केवल आप डाकिये का काम करते हैं, आप कम से कम मानवता तो रखें, हमारे लोगों को, दलित समाज को कम से कम इंसान तो समझे। अरे हम कोई जानवर थोड़ी है, हमारा वर्ग जानवर थोड़ी है यार। जो योजनाएं हमारे लिए बनी है कम से कम उसका लाभ तो दो। जो शासन प्रशासन ने संबल योजना के तहत जो योजनाएं बनाई हैं, जो आर्थिक लाभ की योजनाएं बनाई हैं, उनको मिला जाए ताकि उनका जीवन यापन हो सके, शिक्षा दीक्षा हो सके। अगर बच्चे भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे? या तो भीख मांगेंगे या अपराध करेंगे। फिर भविष्य में तुम अनुसूचित जाति वर्ग पर आरोप लगाओगे कि इस वर्ग के लोग अपराधी होते हैं, तो ये अपराधी बना कौन रहा है? ये कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन का दोष है। आपका नाम और पद? मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ।